राजधानी रायपुर में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ करने के बयान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेंद्र साहू का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह सिर्फ दावे करते हैं। 15 साल तक रमन जी की सरकार थी, तब जितने बड़े बड़े कांड हुए उन्हीं के कार्यकाल में हुए। इसके आगे उन्होंने कहा कि जवानों की सक्रियता बढ़ती है तो नक्सली अपनी गतिविधियां कम कर देते हैं, इसलिए गलत फहमी में सरकार ना रहे, नक्सलियों को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। इसके तहत ही पूर्व विधायक ने कहा कि उनके समर्थन में लोग खड़े रहते हैं, जब विकास कार्य वहां पहुंचाए जाएंगे तो नक्सली समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। देखिए, ये लोग दावा भर करते हैं, हम लोगों ने देखा 15 साल पिछले रमन सरकार थी और पिछले 15 साल में भी नक्सली जितने बड़े बड़े हमले हुए हैं, जितने बड़े बड़े कांड हुए हैं डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में, ये हुआ है। भाजपा सिर्फ दावा करती है और वो जो खोखले दावे ये लोग करते हैं और उतना ही नक्सलवाद बढ़ते जा रहा है। आज मैं मानूंगा भले ही कि जैसे ही इस तरह के फोर्स का दबाव बढ़ता है, नक्सली लोग भी अपनी गतिविधियां कम कर देते हैं, तो उसको लेकर के ये गलत फहमी ना पाले कि नक्सली समस्या जो है समाप्त हो गई है, उसको जड़ मूल से साफ करना पड़ेगा। नक्सली समस्या कोई जो लोग हथियार बंद है वहीं तक नहीं है, नक्सली उनके समर्थक बड़े पैमाने पे हो गए हैं, वहाँ की जो आम जनता नक्सलियों के समर्थन में बड़े पैमाने पर आगे खड़ी हो गई है, इन पर नियंत्रण करना जरूरी है उनको वैचारिक दृष्टिकोण से। और जिन कारणों की आड़ पर नक्सल अपनी ताकत बनाए हुए हैं, वहाँ पर जो विकास कार्य हैं, विकास कार्य हमारी पिछली सरकार में बड़े पैमाने पर किए गए, काफ़ी बड़ी संख्या में सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया और आज विभिन्न सुविधाएं मैदानी इलाके की तरह सुविधाएं वहाँ पर भी जब नागरिकों को मिलने लगेगा तो अपने आप वो लोग जो है अधिक से अधिक नक्सल को समर्थन नहीं देंगे और तभी पूरी तरह से समाप्त हो पाएगा नक्सली समस्या।